नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 73 साल के हो गए हैं। आज उनका जन्मदिन है और इस जन्मदिन के उपलक्ष में राजधानी पटना की सड़कों को पोस्टर्स और बैनर्स से पाट दिया गया है, जहां हर तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुबह से ही शुभकामनाएं और बधाइयां मिल रही हैं। तो वहीं पटना के सड़कों की बात की जाए तो जगह जगहों पर पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए हैं, जहां जदयू के तमाम समर्थक, कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, विधायक, हर कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दे रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त महागठबंधन की सरकार के साथ हैं, जहाँ महागठबंधन की सरकार का नेतृत्व वो कर रहे हैं और इस सरकार में कुल 7 दलों की साझेदारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर बेहद ही धूमधाम से तैयारियां की जाती है, भव्य स्वागत होता है उनका और भव्य तरीके से जगह जगहों पर उनका जन्मदिन मनाया जाता है। बिहार के विभिन्न ज़िलों से कार्यकर्ताओं के द्वारा, समर्थकों के द्वारा अपने तरीके से प्यार, अपनापन और सम्मान दर्शाने की कोशिश की जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 18 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है और उनके कार्यकाल में बिहार ने नई तस्वीर देखी है, बिहार की नई तकदीर लिखी गई है और बिहार के राजनीतिक इतिहास के पन्नों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम आने वाले दिनों में दर्ज जरूर होगा, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में इतने बदलाव किए हैं बिहार में, बिहार की महिलाओं को लेकर, समाज को लेकर, बिहार में विभिन्न योजनाओं को लेकर और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के तहत बिहार के लोगों के द्वारा काफ़ी उन्हें पसंद किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि देश में लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से नीतीश कुमार का भी नाम शामिल होता है और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्हें देखा जाता है। दरअसल 1 मार्च 1991 में जन्मे नीतीश कुमार आज 73 साल हो गए हैं। जदयू नीतीश कुमार के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है और उनके इस जन्मदिवस के अवसर पर पटना के सड़कों पर होर्डिंग के जरिए बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही हैं। बताते चले कि नीतीश कुमार का जन्म पटना जिले के बख्तियारपुर में हुआ था। उनके पूर्वज नालंदा जिले के कल्याण बिघा के रहने वाले थे। उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, इसीलिए इंजीनियरिंग करने के बावजूद समाज सेवा और राजनीति से उनका बचपन से नाता रहा है। 1973 में स्वर्गीय मंजू सिन्हा से उनकी शादी हुई थी। उनके इकलौते बेटे का नाम निशांत कुमार है, जो उनके साथ ही रहते हैं। नीतीश कुमार बिहार विधानमंडल में विधायक और विधान पार्षद के साथ ही लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। केंद्र सरकार में रेल और कृषि विभाग जैसे अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं। उन्होंने 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला था और आज भी बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और नेतृत्व करते हुए उन्हें 18 साल बीत चुके हैं। इस बीच कुछ दिनों के लिए उन्होंने जीतन राम मांझी को सीएम जरूर बनाया था। नीतीश कुमार सबसे अधिक दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। इसी के साथ उन्होंने बिहार में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री पद लेने की शपथ लेने की भी रिकॉर्ड कायम कर ली है। इसके पूर्व 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक, 24 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2000 तक, 26 नवंबर 2010 से 19 मई 2014 तक, 22 फरवरी 2015 से 19 नवंबर 2015 और 20 नवंबर 2015 से अब तक बिहार की कमान नीतीश कुमार ने संभाली है। बिहार के पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले नीतीश कुमार का जन्म साल 1991 में बिहार के एक दलित परिवार में हुआ था। नीतीश का उपनाम मुन्ना है। नीतीश कुमार के पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। नीतीश ने राजनीति के गुण जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जॉर्ज फर्नांडिस से सीखे थे। नीतीश ने 22 फरवरी 1973 को पेशे से इंजीनियर मंजू कुमारी सिन्हा से शादी की थी। नीतीश कुमार का एक बेटा है जो BIT से ग्रेजुएट है। नीतीश के राजनीतिक करियर की बात की जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1977 में हुई थी। इस साल नीतीश ने जनता पार्टी के टिकट पर पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। 1985 में नीतीश विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। इस बीच साल 1987 को नीतीश कुमार बिहार के युवा लोक दल के अध्यक्ष बने। 1989 को नीतीश कुमार को जनता दल का महासचिव बनाया गया।
1989 में नीतीश के राजनीतिक करियर के लिए काफ़ी अहम साल था वो। इस साल नीतीश 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। लोकसभा के लिए नीतीश का पहला कार्यकाल था। इसके बाद 1990 में नीतीश अप्रैल से नवंबर तक कृषि एवं सहकारी विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। जब भी देश में बिहार राज्य का नाम लिया जाता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी इसके साथ ही लिया जाता है। वो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माने जाते हैं और सबसे लंबे वक्त तक वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे हैं। इस वक्त भी कमान उनके हाथों में है और सबसे अधिक बार उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री शपथ भी ग्रहण किया है। आज वो 73 साल के हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक सफ़र बेहद लंबा है और उन्होंने एक युवा नेता के तौर पर इसकी शुरुआत की थी। पेशे से इंजीनियर थे। पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने मैकेनिकल की पढ़ाई की थी। पढ़ने लिखने में बेहद अच्छे थे। फिर उन्होंने मंजू सिन्हा, जो कि पेशे से इंजीनियर के बाद शिक्षिका बनी, उनसे उन्होंने शादी की, जहां उन्हें एक बेटे हुए जिनका नाम निशांत कुमार है, जो कि इस वक्त नीतीश कुमार के साथ ही रहते हैं। और नीतीश कुमार ने खुद को राजनीति में पूरी तरीके से ढाल लिया है। उन्हें एक समाजवादी नेता कहा जाता है और अपने राजनीतिक सफ़र में उन्होंने बिहार के लिए काफ़ी कुछ किया है। लोकसभा में भी वो रहे हैं, लोकसभा के मेंबर भी रहे हैं और अब वो पूरी तरीके से राज्य के लिए समर्पित हो चुके हैं। हालांकि ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है, इसके बाद शायद वो बिहार के मुख्यमंत्री ना रहे। हालांकि ये तो भविष्य के गर्व में है, लेकिन आज पूरा बिहार प्रदेश बेहद खुश है, जहां हर तरफ खुशियां मनाई जा रही है। बेहद भव्य तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन को मनाने की तैयारी है। होर्डिंग्स, बैनर्स, पोस्टर्स पूरे बिहार में, खासकर राजधानी पटना में लग चुके हैं, जहां हर तरफ उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं। और आखिर में हमारे चैनल न्यूज़ फॉर नेशन की तरफ से भी बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।